उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार से। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे तो बहुत ही बड़ा बयान है। आपका रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिंपल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद, आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं, हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अमित जी, अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस? साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं। इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया, प्रधानमंत्री ने वहां बहुत दौरे किए, आपने खुद पर्सनली वहां पे बहुत दौरे किए, आपने बयान भी बड़े बड़े दिए हैं। तो साउथ इंडिया, एक अगर पूरा साउथ का सीन ले लें तो अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटें देखते हैं? पिछली बार आपकी कर्नाटक साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। कुल मिला के कितनी सीटें? क्या केरला तमिलनाडु में खाता खुलेगा? हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी, खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा, परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की टक्कर हुई। पर दोनों प्रदेशों मतलब तमिलनाडु में भी खुलेगा, केरला में भी खुलेगा, और तेलंगाना और आंध्र को कैसे देखते हैं आप? आंध्र प्रदेश में हमारा अलायंस है, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है। और तेलंगाना में तो हम लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमारी अब तक की हाईएस्ट सीट हम वहां से जीतेंगे।